हेलो गाइस, वेलकम टू रेड स्टार ब्रेन। आज नया ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। नया ब्लॉग ऐसे रहेगा, मतलब मैं अभी जा रहे हैं लाल किला मार्केट, चांदनी चौक पे। कल हमारी सामान कुछ गुम हो गया था, वो दुकान पे है। दुकान वाला फोन कर रहा है कि आप आइए और आपका सामान ले जाइए। हमें पता चल गया कि उसका हमारी सामान जो है उनका पास है। ऑलरेडी हम वर्तमान में तैयार हो गया, अभी जाएंगे और जो सामान वहीं छोड़ के आए थे वो सामान लेके आएंगे लाल किला चांदनी चौक मार्केट। अभी चलते हैं गाइड्स चांदनी चौक। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? लाल अंदर तक हमने पहुंच गया, अभी चलते हैं ईमानदार दुकान, उसका अंदर हम चलेंगे, फिर सामान लेके फिर अपना घर निकलेंगे। हमें गार्ड से रिक्शा वाला का भी हेल्प लेना चाहिए, लेकिन रिक्शा वाला भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। पैदल का रास्ता है, चल जाएंगे, ज़्यादा दूर है नहीं है। हमने पहुँच गया वही जूता शोरूम का पास। गाइड से हमने अब चलेंगे, अभी वो जूता शोरूम कहाँ पे है हम ढूंढना पड़ेगा, यहीं कहीं है आस पास पे। बड़ा वाला बैग था, मैं इसलिए आओ वहीं पे बैठा हुआ था, और वो आगे लेडीज तीनों, ठीक है। ये दुकान का अंदर हमारा सामान छूट गया था, मिल गया हमको। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। सामान गाइड से मुझे मिल गया, मैं अभी जाना है मार्केट, मेडिसिन मार्केट पे। मेरा मम्मी का जो दवाई है उसको भी लेके जाना है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अभी गाइड चार मेडिसिन ढूंढना पड़ेगा मुझे, कहाँ पे है मेडिसिन का, जहाँ पे मिलता है थोड़ा डिस्काउंट कम होता है, उसी इलाका में मेडिसिन जहाँ मिलता है वहीं पे जाना है गाइड। लाल किला का अंदर जैसे गाड़ी मिलता है, जैसे इसी गाड़ी में सारे सामान लग के अपना इसमें चलते हैं। ज़्यादातर लोग जो है लाल किला से फतेहपुर जाने के लिए ये रिक्शा सब यूज करते हैं गाइड्स। यहाँ पे बहुत सारे चलाने वाला रिक्शा बहुत सारे हैं, यहाँ पे बैटरी रिक्शा नहीं चलता है, इसका अंदर सिर्फ यही रिक्शा चलता है। हमको बनाना था वीडियो, तभी हमने वो रिक्शा यूज नहीं करे हैं, हम पैदल चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं गाइड। अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखे लाल किला का अंदर ऐसे वाला माल लोड करके चलते हैं, ऐसे गाड़ी है। चांदनी चौक का अंदर आओगे तो यहाँ पे एक दही वाला कर्नर है, यहाँ पे बहुत भीड़ लगता है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। पीछे ये बहुत सारे है, ये दही वाला कन्नर है,
ये दुकान है, बहुत भीड़ लगता है गाइस। फेमस दही वाला कॉर्नर है, दही वाला कॉर्नर यहाँ पे बहुत फेमस होते हैं गाइस यार। मैंने आया दही वाला खा के, फिर अभी चल जाएंगे दवाई मार्केट। थोड़ा यहाँ बैठने के लिए बढ़िया, लाल कला का दोनों तरफ से मार्केट है। ये इस तरफ मार्केट है, बिल्कुल इस तरफ भी मार्केट है। बैठने के लिए ये पार्क टाइप का है, पार्क नहीं है, पेड़ पौधा लगा रखा है, यहाँ खंभा रखा है, यहाँ पे बैठ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट मारते हैं। आगे बिल्कुल लाल किला है, दिखाते हैं आप। फिर से हमने बैठ गए, थोड़ा रेस्ट मार लिया, अभी चलते हैं। थोड़ा धूप भी कम है और हम चल पड़े हैं मार्केट, दवाई मार्केट। दवाई मार्केट से दवाई लेके फिर अपना घर के लिए निकल जाएंगे। अरे सर, ऐसे ईमानदार दुकान मैंने कहीं देखा नहीं है, वो भी मुझे पहचान नहीं रहा था। मैंने फ़ोन करा बेटी को, बेटी ने बता दिया कि उसने आराम से दे दिए, कोई दिक्कत नहीं करा है, मेरे को सामान दे दिया। लाल किला चांदनी चौक का अंदर आओगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारा आपको दिखा रहे हैं गाइड्स, आप देखिए। ये बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, हर चार गुरुद्वार का अंदर जितने लोग आते हैं यहाँ खा पी के जाएंगे जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा गुरुद्वार है, बहुत भीड़ भी लगता है। गुरुद्वार देख लिए, अभी आगे पहुँच गए बिल्कुल दवाई मार्केट। दवाई मार्केट से दवाई लेके अपना घर के लिए रवाना करेंगे गाइड्स। चार दवाई मार्केट का अंदर मैंने घुसे पड़े हैं अंदर, ये कुछ दुकान बंद है, कुछ दुकान खाली भी है। दवाई दुकान तो बहुत सारे दुकान बंद पड़ा है, ये हमारी दुकान खुला आगे क्या है, उसी दुकान से लेना है गाइस। गाइस हमने दवाई मार्केट अभी दवाई ले आए और अभी चल पड़े हैं घर। मुझे जाना है बस से, फिर जाना पड़ेगा गाइस। यार मैं अभी लाल किला का मार्केट का अंदर बाहर निकल रहा हूँ अभी गाइस। आगे लाल किला है, आपको दिखा रहे, लाल किला मार्केट है ये, आगे लाल किला है। इसका पास एक मंदिर भी है, ये बिल्कुल इधर से रास्ता चांदनी चौक, इसका बीच में हम जीते मार गए। हम गाड़ी चलते हैं अपना घर, बस को इंतज़ार कर रहे हैं, बस से बैठेंगे फिर अपना घर जाएंगे, फिर हमारा प्लास्टिक घर पे जब जाएंगे तब ख़त्म करेंगे। काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अभी पानी जहाँ बिक्री करते हैं वहाँ कितना भीड़ है, वहीं जाते हैं पानी पीते हैं, तो एक ग्लास पानी दे, यहाँ पानी पी के फिर घर निकलेंगे। दुकान का अंदर पानी वाला है, पानी नहीं मिलता, नींबू पानी मिलेगा। देखते हैं कहाँ पानी मिलता है, वो दुकान वाला तो मना कर दिया। एक लेम्बू सोडा बना दो, बना
कितना रुपया भाई लेम्बू छोड़ा? 20 रुपया। कल एक गिलास पिला दो। लेम्बू सोडा बन रहा है। अरे चौधरी चाय का गिलास भी लेकर कलकला का अंदर आएंगे, यहाँ लेम्बू सोडा पीते हैं, बड़े फेमस होते हैं ये लेम्बू वाला। लेम्बू सोडा का पास आते हैं, जब भी आता हूँ तब यहाँ से पी के जाता हूँ। मेरे लिए बना रहे हैं, यहाँ रखे हैं। लेम्बू सोडा आ गया। हम लेम्बू सोडा पी ले, अभी रोड पार करके अभी चलेंगे बस स्टॉप। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लाल किला एंट्री गेट तक जाने के लिए, इधर का अंदर जाने के लिए यहाँ पे सब ई रिक्शा लगा रखे। बस स्टॉप थोड़ा दूर पड़ गया, अभी बस स्टॉप का अंदर जाने के लिए टाइम भी लगेगा, धूप भी ज़्यादा आ गया। गर्मी में घूम के ब्लॉक बनाना बड़ी मुश्किल हो जाता है गाइस, और 5 मिनट का रास्ता पड़ेगा अभी पैदल जाने के लिए बस स्टॉप। बस स्टॉप का पास खड़ा होके बस से बैठेंगे, अपना घर चलेंगे। गर्मी बहुत है गाइस, और इधर पीछे गाइस लाल किला का ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, काम धंधा चल रहा है सब कुछ। कुछ मेला लगेगा, इसके बाद आएंगे एक दिन। ये आगे जो आ गया ये बस स्टॉप आ गया, इसी बस स्टॉप का अंदर हम चढ़ेंगे आश्रम के लिए बस। बस से बैठिए, बैग रख दिए यहाँ, बस खाली है बिल्कुल। घर से चला जाएंगे घर।